So hi guys, what's happening? Thank you so much for tuning into What's Happening Express, where we upload videos on a regular basis regarding what's happening in the world. I know it's been a while since I uploaded a new video on YouTube. I'm extremely sorry for this and I was busy with something else. So it won't happen next time. Aaj ki baat bahut important hai. Important for me, important for you, and important for each and everyone who is living in our society. बहुत मुश्किल से इंटरनेट पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं. अब बहुत मुश्किल से ना रियलिटी देखने को मिलती है, वरना सब कुछ फालतू चीज़ें देखने को मिलती हैं, वीक फेक कंटेंट और तमाम तरह की चीज़ें. आपने भी देखा होगा, कल एक वीडियो वायरल हुआ बाबा का ढाबा. उन दोनों बुज़ुर्गों की कहानी सबके सामने आ गई, किस स्ट्रगल में वो लोग जी रहे थे, क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो रही थी, सब कुछ देखने को मिला. और ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि सब लोग इसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए, सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स, सब कोई. तो बेसिकली इस वीडियो में ऐसा खास क्या था? पहली बात, बाबा का ढाबा के बारे में मैं बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता है. दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटा सा ढाबा है, एक छोटा सा खाने का रेस्टोरेंट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ढाबा टाइप का. वहाँ पर दो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो दोनों खाना खिलाते हैं लोगों को. और पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खाने की क्वालिटी अगर आप वीडियो में देखोगे तो वो सुपर्ब है. वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी ऐसे खाने को नहीं मिलेंगे देखने को. वो दोनों अपना रॉ मटेरियल का भी खर्चा नहीं निकाल पाते हैं पूरे दिन की कमाई से, क्योंकि इनकी दुकानदारी, उनका ढाबा उस हिसाब से उनको वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा जो वो डिज़र्व करते हैं. इसके पीछे वजह क्या है? सिंपल सी वजह है, कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगे हैं उनके पास, क्योंकि पैसे ही नहीं है सब चीज़ों के लिए. उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उसको पब्लिकली एडवर्टाइज़ कर सकते हैं. सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनको पता है कि हाँ, वहाँ का खाना बहुत इम्पोर्टेंट है. कोरोना की वजह से दुनिया में गरीबी की तो हद पार हो गई. हद पार मतलब हद पार, लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं हैं. लोग कोरोना से तो बाद में मर रहे हैं, पहले भूख से ऐसे ही मर रहे हैं. तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि दो आदमी, दो इंसान जो कि इतना मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता जिसके वो डिज़र्विंग है. कितनी इम्पॉर्टेंट बात है हमारे समाज के लिए कि हम लोग ये सब चीज़ जानते हुए बहुत लोग इग्नोर करते हैं. वो वीडियो में आपने देखा होगा कि उनकी आँखों से आंसू आ जाते हैं, और वो वीडियो वायरल हुआ और अचानक से इतने सारे सपोर्टर्स आ गए उस चीज़ों को, उस चीज़ को देख कर, कि जिस बुज़ुर्ग की आँखों में आंसू थे कल तक, इनफैक्ट आज उनका जो चेहरे पे स्माइल है ना, वो $1 million है. आपको लगेगा यार चलो कुछ तो अच्छा हुआ. और जब उनकी आप स्माइल देखोगे ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना. आप जब खुद देखो यार, उसके बाद कमेंट करना यार कि सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था. उनकी आंखों के आंसू ने बहुत चीज़ें बयां कर दी यार, सिंपल, कि हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं, हम लोग क्या हो गए हैं. हम लोग सिर्फ, इसमें हमारी भी गलती है. हमारे आसपास बहुत सारी, जब आप रोड पर निकलते हो गए तो आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ फैंसी वाली चीज़ें पसंद आती हैं, तड़क भड़क, हाईलाइटेड, अट्रैक्टिव, ये सब चीज़ें हमें पसंद आती हैं. गलती हमारी है, क्योंकि हम लोग उन लोगों को मौका नहीं देते हैं जो सच में अच्छा करते हैं. और ये बाबा का ढाबा, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोग हैं. कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई अच्छा टेलर है, कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, कोई अच्छा प्लम्बर है, कोई अच्छा कॉबलर है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जिनका कारीगरी, जिनका काम मतलब अलग ही लेवल पे है बॉस, सीरियसली. उनको बताने की ज़रूरत नहीं, उनका काम देखोगे तो आपको पता चलेगा. और उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता जिसके वो डिजर्विंग. और ये वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बाबा के ढाबा जैसे तमाम लोग हमारे मदद को लेकर एक आस में हैं कि चलो उनके लिए कुछ तो कभी अच्छा हो, लेकिन वो उनकी सारी उम्र बीत जाती है इसी में और कुछ हो नहीं पाता. सोचो अगर इत्तेफाकन अगर उस बाबा के ढाबा पे वो बंदा नहीं जाता, उसने वीडियो अपलोड नहीं किया होता, तो उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ पाता? कभी नहीं. तमाम लोग उस रोड से गुजरे होंगे जहाँ पे बाबा का ढाबा है, सामने से कितने लोग वहाँ से गुजरे होंगे, असंख्य, अनलिमिटेड, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कभी, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं. क्या पड़ी किसी को? कुछ नहीं पड़ी है किसी को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है. सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं. हमें फैंसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि हमें बस दुनिया को दिखाना होता है कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमने चेक इन किया, ये किया, वो किया,
सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग वो सब चीज़ें करते हैं। सिर्फ एक वीडियो वायरल हुआ और उनके दुकान पे लाइन लग गई, उनके ढाबा पे लोग देखने आ गए कि हो क्या रहा है। लोग जानने को उत्सुक हो गए कि सच क्या, वाकई उनके खाने में ये बात है। ऐसे बहुत लोग हमारे मदद के आस में बैठे हुए हैं। प्लीज़ सब कोई अपना एक कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर प्ले करें इसमें। बाबा का ढाबा बस एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। अगर आपने चारों ओर देखोगे तो ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अगर कुछ लोग इस बात से अगर राज़ी नहीं होते हैं तो आप सच में, मतलब क्या बोला जाए, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना। तो बाबा के ढाबा की तरह बहुत लोग हमारे मदद के लिए हैं, आस में हैं, तो प्लीज़ मदद करें। जब भी रोड पर निकलें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर करें इन सब चीज़ों में। बहुत लोग को सपोर्ट चाहिए, सच में सपोर्ट चाहिए, वाकई सपोर्ट चाहिए। और इस वीडियो ने मुझे पूरी, हमें पूरी तरीके से ये जस्टिफाई कर दिया कि सोशल मीडिया का पावर कितना है अगर उसको अच्छी चीज़ों में लाया जाए। पर सोशल मीडिया का तो हम लोग केवल, यू नो व्हाट आई मीन टू से, अगर सोशल मीडिया को अच्छी तरीक़ों से यूज़ किया जाए तो हम लोग वाकई सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। वो बदलाव हम लाएंगे, आप लाएंगे, आराम से ला सकते हैं। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली अब बदलाव आएगा। अब बदलाव उस आदमी की ज़िंदगी में तो ज़रूर आ गया जिसने ये, मतलब बाबा का ढाबा एक एग्ज़ाम्पल हो गया कि लोग कैसे सोशल मीडिया को हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एक वीडियो ने पूरी ज़िंदगी बदल दी उन दो बुज़ुर्गों की। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उनके यहाँ लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं और लाइन लग रही है। तो प्लीज़ मदद करें, जितने भी लोग आपके आसपास ऐसे दिखें, प्लीज़ एक कदम उठाएं मदद की ओर यार। बहुत एक, आपको पता नहीं है कि, लेकिन आपकी एक छोटी सी कोशिश ना उनकी ज़िंदगी बदल सकती है यार। सच में ये चीज़ देखने को मिली है, सीरियसली। तो प्लीज़ मदद करें और आगे बढ़ें और ऐसे ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करें। इतना ही कहना था मुझे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। एंड इन द मीन टाइम कोरोना वायरस, जैसा मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, कोरोना भी गया नहीं है। सो प्लीज़ बच के रहें, सेफ रहें और अपनी फैमिली के साथ रहें, खुश रहें, इन्जॉय करें। और चीयर्स, बाय।